अभी गर्मियों का सीजन आ रहा है और गर्मियों में अगर कोई ठंडी तासीर वाला फल मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है। तो इसलिए हम आपको लीची के बारे में बताएंगे, जो कि स्वादिष्ट फल होने के साथ साथ बहुत पौष्टिक होता है और हमें गर्मियों के सीजन में होने वाली बीमारियों से भी बचाता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। लीची की उत्पत्ति साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हुई है। ये एक अंडाकार फल होता है जिसके ऊपर लाल या फिर हल्के हरे रंग का छिलका होता है, जिस पर हल्के कांटीले उभार पाए जाते हैं। ये एक सफ़ेद रंग का गूदेदार फल होता है। लीची एक अम्लीय फल होता है, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ही मीठा होता है। अब अगर हम लीची के इतिहास की बात करें तो लीची की खेती 1059 AD में साउथर्न चाइना, मलेशिया और नॉर्दर्न वियतनाम में की जाती थी। उस समय लीची को राजा महाराजाओं का फल माना जाता था और उस समय हान वंश के राज परिवार के लोग ही सिर्फ लीची खा सकते थे। यूरोप के अंदर लीची माइकल बोयम, जो कि एक पॉलिश पादरी थे, उनके द्वारा लाया गया था। और इंडिया के अंदर लीची को 18वीं शताब्दी में बर्मा से लाया गया था। अभी वर्तमान की बात करें तो दुनिया का 91% लीची का प्रोडक्शन इंडिया और चाइना मिलकर करते हैं। लीची के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में वाइटामिन सी, वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स और फ्लेविनॉइड्स पाए जाते हैं। इसके अंदर वो सभी पोषक तत्व और मिनरल्स पाए जाते हैं जो आपके ब्लड प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जैसे मैंगनीज, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, फोलिएट, जो कि लाल रक्त कोशिकाओं के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। इनमें एंटी एजिंग तत्व भी पाए जाते हैं जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। लीची का सेवन हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक के खतरे को भी कम करता है। लीची के अंदर फैट मेटाबॉलिज्म तेज करने वाले तत्व पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी बढ़ने से रोकती हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें कि हमने आपको लीची के बारे में बताया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो कीप सपोर्टिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू वेरी मच।